हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेश खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेश टेक्निकल। दोस्तों, आज ये मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मैंने आज फर्स्ट अनबॉक्सिंग इसकी की है। दोस्तों जी हाँ, ये है बोया एमोन माइक जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है और इसे मैंने किस वेबसाइट से मंगाया हुआ है। तो आज मैं आपको इसी के लिए इसके बारे में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है। और ये हर यूट्यूबर की पसंद है दोस्तों, नए पुराना कोई भी यूट्यूबर हो वो सबकी पसंद होती है ये बोया माइक। दोस्तों ये सभी चीज़ों में सपोर्ट करता है, जैसे कैमरा, कैमकॉर्डर, स्मार्टफोन और पीसी में भी सपोर्ट करता है। और ये कैसे सपोर्ट करता है ये चीज़ मैं आपको इसे लगा के और सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर मार दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बोया का माइक है, ये दो तरह के होते हैं, एक में 6 मीटर का केबल दिया जाता है और एक में 20 मीटर का। ये 20 मीटर का बोया M1 का माइक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है। आज मैं आपको सबसे पहले आप दिखा रहा हूँ कि मुझे ये देखिए, ये एक यूज़र गाइड है जिसे आप मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं। इसे मैन्युअली रीड करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मुझे एक वारंटी कार्ड मिला है जिसे आप देख सकते हैं कि ये वारंटी कार्ड मुझे मिला है बोया का, जहाँ पे मुझे 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिली है। उसके बाद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था कि एक 6 मीटर की केबल आती है और एक 20 मीटर की, तो यहाँ पे मुझे 20 मीटर की केबल मिली है। और यहाँ पे 3.5 mm का जैक है जो मोबाइल में सपोर्ट करता है और कैमकॉर्डर वगैरह सब में, कैमरा वगैरह में सब में आपको सपोर्ट करेगा। और ये आपकी एक क्लिप है जो आपको कॉलर में सेट की जाती है। और ये आपका एक जैक दिया हुआ है जहाँ से आपको किसी चीज़ में लगा सकते हैं अगर सपोर्ट नहीं करता है तो। और दोस्तों ये है इसका एक कैरी बैग जिसमें बोया माइक मुझे आया था। चलिए आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक बैटरी भी मिलती है, क्योंकि मैंने अब पहले ही से इनबिल्ट कर दिया है इसमें, तो उस बैटरी का क्या यूज़ है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि कैमरा एंड स्मार्टफोन लिखा हुआ है। अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं या कैमकॉर्डर वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऊपर कर लीजिए, और जैसे कि यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं इसे। और अगर आप स्मार्टफोन में ओपन कैमरा में अगर वीडियो बना रहे हैं या आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से बना रहे हैं कैमरे से, तो आप इसे नीचे कर दीजिए जिससे बैटरी का कोई यूज़ नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बैटरी इसमें कहाँ इनबिल्ट की है। दोस्तों ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये बैटरी इनबिल्ट किया गया है। दोस्तों ये जो बोया का M1 माइक है, वैसे तो हर यूट्यूबर की चॉइस है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इसे मंगवाएं तो यहाँ पे जो लोगो दिया है होलोग्राम टाइप का, उसे आप देख लें। और अगर इसे सर्च करके भी देखना चाहते हैं तो आप कैम स्कैनर से आप इसके बारे में सर्च करके ज़रूर देख लें, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसी सारी क्वालिटी है जो लोकल वगैरह भी आती है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख लें, इस होलोग्राम को। और दोस्तों बचे रहें नकली माइक से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों पसंद आई हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।